द्वारा बनाई गई हैं। ये सारी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत और मेहनत से बनाई गई हैं। ये सारी पेंटिंग्स ऑयल पेंट में, वाटर कलर में व फैब्रिक पेंट में हैं। इसमें स्त्री के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। इस पेंटिंग में माँ के वात्सल्य रूप को दिखाया गया है, किस प्रकार एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है और बच्चा माँ की गोद में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है। ये पेंटिंग गांव की शैली को प्रदर्शित करती है, किस प्रकार गांव की ग्वाला मटकी लेकर पानी भरने के लिए नदी पर जाती है। इसमें प्रकृति के सुंदर नजारे हैं। इस पेंटिंग में स्त्री देवी माँ की आराधना कर रही है। इसमें हमें स्त्री के मासूम और सच्चे रूप के दर्शन मिलते हैं। यह पेंटिंग अभिनेत्री रेखा की है, जो अपने स्वयं में ही बहुत खूबसूरत और सेक्सी है। इस पेंटिंग में एक वाला अपने सतीत्व को बचाने की कोशिश कर रही है तथा अपने आंसुओं को गिरने नहीं दे रही है। मानो कह रही हो कि वो कभी हार नहीं मानेगी और डटकर दुनिया का सामना करेगी। यह पेंटिंग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जो एक वीरांगना है तथा स्त्रियों के लिए एक मिसाल है। वह अपने दूधमुए बच्चे को लेकर सफेद अश्व पर बैठकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकल पड़ी है। यह पेंटिंग एक गृहिणी की है, जिसमें दिखाया गया है कि लज्जा ही उसका गहना है। यह पेंटिंग्स राधा कृष्ण की है, जो हमारे आराध्य देव हैं। इसमें राधा कृष्ण के असीम प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। यह पेंटिंग एक मासूम बच्चे की है, जो अल्लाह से दुआ मांग रहा है। भगवान तो एक ही है, बस उसके रूप अलग अलग हैं। यह पेंटिंग्स जंगल की है। इसमें प्रकृति के सुंदर सुंदर नजारे हैं। इसमें भी माँ बच्चे के प्रेम को दिखाया गया है, किस प्रकार शेरनी अपने बच्चे के साथ बैठी है और प्यार से उसे निहार रही है। और इसमें हिरणी कैसे अपने बच्चे को दूध पिला रही है, इसे पता